अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है हीर किचन में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। आज हीर किचन में बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लाई हूँ, मटन चॉप्स रेसिपी। मटन चॉप्स फ्राई बनाएंगे आज हम हीर किचन में। इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी मज़ेदार सी रेसिपी। ये कुछ इस तरह से हैं चॉप्स चाँपें। मैंने ली है तकरीबन बनाना हाफ के जी मटन चॉप्स, और इसको मैंने धो के अच्छी तरह ड्राई कर लिया है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ हमने क्या करना है। झटपट बनाएंगे और बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। अच्छा, मैंने चांपों को रखना है कुकर में और इसे मैंने पहले हाफ बॉईल करना है। फिर इंशाल्लाह जब मैं फ्राई करूँगी जो कसर रह गई है वो इंशाल्लाह उस टाइम पर जो है वो कुक हो जाएगी हमारी मटन चॉप्स। कुकर मैंने ले लिया है और इसमें मैं सारी मटन चॉप्स ऐड कर दूंगी। सारी मैंने मटन चॉप्स जो हैं वो ऐड कर दी हैं। साथ ही मैंने एक प्याज ऐड करना है अच्छी सी खुशबू के लिए। एक अदद प्याज है, इसको मैंने मोटा मोटा कट कर लिया है, और तकरीबन 1 टेबलस्पून जितना अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें ऐड होगा। हाफ टी स्पून जितना इसमें मैं नमक ऐड कर दूंगी। अब इसमें मैंने ऐड करना है तकरीबन 1.5 गिलास जितना पानी। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे, 15 मिनट इसे मैं जस्ट वेट लगाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद। चांपों पे जो हम मसाला लगाएंगे मैं वो बनाना बता देती हूँ। सबसे पहले मैंने लिया है 1 कटोरी जितना दही। ये इतनी आपने इसकी मेजरिंग रखनी है जितनी हम घर में मीठा जिसमें खाते हैं वो 1 कटोरी भर के मैंने लिया है। साथ लिया है मैंने लेमन में हाफ ऐड करूँगी। हाफ टी स्पून मैंने लिया है नमक मैंने पहले भी ऐड किया था गोश्त में इसलिए मैं कम ले रही हूँ। हाफ टी स्पून मैंने लिया है रोस्टेड ज़ीरा, इसको मैंने रोस्ट करके इसको ग्राइंड कर लिया है अच्छी तरह। और हाफ टेबल स्पून जितना लिया है मैंने गरम मसाला, ये है होममेड, बहुत ही मज़ेदार बनता है इसकी रेसिपी। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आप लोगों से शेयर करूँगी। 1 टी स्पून जितने लिया है मैंने काली मिर्च, 1 टीस्पून जितना मैंने लिया है कुटी हुई मिर्च, पेपरिका पाउडर है 1 टीस्पून जितना, और सूखा पाउडर है, सूखा धनिया है तकरीबन 1.5 टेबलस्पून। दही में मैं सारे मसाले ऐड कर देती हूँ, गरम मसाला, ज़ीरा, नमक, काली मिर्चें, कुटी हुई मिर्च, सूखा धनिया, पेपरिका पाउडर, और ये हाफ लेमन। लेमन बड़ा था इसलिए मैं हाफ ऐड कर रही हूँ, और मैं अच्छी तरह इसको मिक्स कर दूंगी। जब मटन चॉप्स तैयार होगी ये सारा जो मसाला है मैं उसमें ऐड कर दूंगी। अब इसको कर देती हूँ अच्छी तरह मिक्स। अच्छा, पहले मैंने सोचा था कि मटन चॉप्स में मैं टिक्का मसाला ऐड कर देती हूँ, फिर मैंने सोचा जो होममेड मसाले हैं, होममेड इज़ द बेस्ट, बहुत ही मज़ेदार जो है हमारे घर के मसाले होते हैं। अगर हम सिंपल तरीके से एक चीज़ को बनाएं तो वो बहुत ही मज़ेदार बनती है, ना कि हम उसमें बहुत ज़्यादा मसाले ऐड कर दें। हम वो भी ऐड कर सकते हैं लेकिन वो फिर अलग उसमें चली जाती है, लेकिन ये मैं घर के मसालों से बना रही थी इसलिए मैंने कोई पैकेट का जो मसाला है वो ऐड नहीं किया। मटन चॉप्स को मैंने कुकर से निकाल दिया है और जो है वो हमारी मटन चॉप्स अच्छी तरह ठंडी हो चुकी हैं। अब मैं इसमें मसाला ऐड कर देती हूँ जो मैंने बनाया है। सारा मसाला हम इसमें ऐड कर देंगे हाथों की मदद से। हाथ मैंने अच्छी तरह धो लिए हैं और हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि चॉप्स को जब आप मसाला लगाने लगें तो इसे अच्छी तरह ठंडा कर लें। और ये जो चॉप्स है ये मैंने इतनी गलाई थी कि ये टूटी नहीं है, तो आप लोगों ने भी इसी बात का ख्याल रखना है, इस तरह से जो है मसाला लगाना है। और अभी हल्के हाथ से मैं बहुत मसाला लगा रही हूँ, मैंने हाफ कुक कर दी है। हाफ कुक जो है वो इंशाल्लाह जब मैं इसे फ्राई करूँगी हाफ कुक की उस टाइम पे हो जाएगी। इसे मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए छोड़ दूँगी, मसाला हमारा सेट हो जाए चांपों पर, फिर मैं आपको दिखाती हूँ 10 मिनट बाद फ्राई करते टाइम। एक और चीज़ इसमें ऐड करनी है, तकरीबन मैं 1 टेबलस्पून जितना इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चों का पेस्ट। इसको फिर अच्छी तरह मिक्स कर देना है, फिर मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद। अच्छी तरह मैंने मिक्स कर दिया है इसे। ऑयल मैंने रख दिया था, ऑयल गर्म हो चुका है। अब अपनी चॉप्स को हम फ्राई कर लेते हैं। इसमें मैं कुछ भी आर्टिफिशियल ऐड नहीं करूँगी, कोई कॉर्नफ्लावर कुछ भी नहीं ऐड करूँगी। इंशाल्लाह इसके बगैर ही हमारी जो है चॉप्स बहुत मज़ेदार बनेगी। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम जो है मैंने वो मीडियम रखी हुई है, इतनी काफ़ी है।
इसको तकरीबन एक साइड पे मैं 3 मिनट दूंगी और दूसरी साइड पे 3 मिनट दूंगी। आंच को मैंने जो है मीडियम से भी थोड़ा सा मैं कम कर दूंगी, क्योंकि अभी थोड़ी सी कसर है। इसको इतना अच्छी तरह इसी ऑयल में फ्राई करना है कि ये हमारी मटन चॉप्स जो है इसी ऑयल में अच्छी तरह गल जाए। मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद। तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब मैं साइड चेंज कर लेती हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आ चुका है, चॉप्स का प्यारा सा कलर आ चुका है। अब हम चॉप्स निकाल लेते हैं किसी छन्नी में, ताकि जो एक्सेस ऑयल है वो हमारा रिमूव हो जाए। अब इसमें मैं थोड़ी सी और ऐड कर दूंगी। चांपे हमारी फ्राई हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही मज़ेदार ये लग रही हैं। इंशाल्लाह खाने में भी बहुत मज़ेदार होंगी। तो आप लोगों ने मेरी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी मज़ेदार सी रेसिपी। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ, गोश हमारा अच्छे से गल चुका है, ये देखें। बहुत ही आसान से इसके मसाले थे जो हर किचन में मौजूद होते हैं, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा मज़ेदार सी रेसिपी। और होममेड इज़ द बेस्ट, क्योंकि घर के मसालों से जो चीज़ बनती है वो बहुत ही मज़ेदार होती है। आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है मेरी रेसिपी। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और मुझे दुआओं में याद रखें। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।